वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और क्यों है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि सर ये किस तरीके से सॉल्व होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बच्चों, आपको मीन डेविएशन समझ में आया? मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन बेसिकली एवरेज कितना ऑथेंटिक है, एवरेज मीन कितना रिलायबल है, उसको चेक करने के लिए हमें मीन का मीन डेविएशन भी लेना पड़ता है। मीन डेविएशन की वैल्यू जितनी छोटी होगी, इसका मतलब यह होता है कि एक्चुअल डेटा मीन के उसके नियरेस्ट है, तो मीन सही तौर पे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मीन डेविएशन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब यह होगा कि एवरेज और जो एक्चुअल डेटा के बीच में गैप ज्यादा है, तो जो एवरेज है और जो एक्चुअल में जो डेटा है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एवरेज सही तौर पर अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मीन सही तौर पर अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये मीन डेविएशन से हमें पता लगता है। और मीन डेविएशन क्या है, ये भी कुछ नहीं, ये भी एक एवरेज ही है, बट ये डेटा का एवरेज नहीं है। डेटा और उस डेटा के मीन के बीच में जो डेविएशन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसका एवरेज होता है। ये मीन डेविएशन की बात है जो अभी तक आपने समझा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो बच्चे, मीन डेविएशन जिस पर्पस में यूज में आपके लिए आ रहा था, एवरेज कितना रिलायबल है, मीन कितने रिलायबल है, उसको चेक करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सेम फंक्शन है। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाय के कंज्यूमर हैं, टी के कंज्यूमर हैं, और आपको टी नहीं मिली तो आपने अपना काम कॉफी से चला लिया, पर दोनों का सेम पर्पस है। जैसे बॉल पेन से आप लिखते हैं, बट कई बार आपको बॉल पेन नहीं मिला तो आपके पास जेल पेन आया तो आपने जेल पेन से ही लिख दिया, दोनों का फंक्शन सेम है। तो जो काम मीन डेविएशन करता है, जो मैसेज मीन डेविएशन देता है, सेम वही मैसेज स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। बस फर्क थोड़ा कैलकुलेशन करने के मेथड का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बात करते हैं क्या मीन डेविएशन का रिजल्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट सेम होता है। तो जी, नियर बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट जो है वो मीन डेविएशन, दोनों आसपास नियर बाय होते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीन और मीडियन के बीच में क्या डिफरेंसेस था, दोनों सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले के नंबर थे और मीन और मीडियन की वैल्यू सेम नहीं होती है बट नियर बाय दूसरे के आसपास ही होती है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों सेम पर्पस में यूज में आता है बट वैल्यू इसकी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब सवाल यह है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों हम कैलकुलेट करते हैं और बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है? तो बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अब क्यों इसको हम फॉलो करते हैं वो समझिएगा। ये फॉर्मूला आपके सामने है, तो फॉर्मूले को भी आप समझ में, आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर होंगी, बट फॉर्मूले पे आने से पहले आप इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आप इसको करिए। देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए, आपको फॉर्मूला और सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या और क्यों है। देखिए, अब एक आप इंडिविजुअल सीरीज ले रहा हूं जहां पर डेटा के रिपीटेशन नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। डेटा हमारे पास में 8 है, 12 है, 13, 15, 22, 13 और 22, ये डेटा है। सबसे पहला आप इसको, हमने मीन डेविएशन में क्या करा था कि ये डेटा और इसके मीन के बीच का डेविएशन लिया था, तो इसका मीन क्या आएगा? तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स। तो सॉल्व करेंगे, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 0 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, ठीक है बच्चे, 10 3 13 और 5 18 2 20, 2 3 4 5, 5 2 7। सॉल्व करेंगे, मीन आप निकालेंगे, तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, इंडिविजुअल सीरीज में यही प्रोसेस होता है आपके मीन का। ऑलरेडी आप मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये करवाया मैंने। 5 2 5 20, 14 आपका मीन आया। प्रोसेस सेम आगे जाएगा, आपको वही काम करना है कि आपको अपना डेविएशन लेना है। तो डेविएशन आप किस तरीके से ले रहे थे? डेविएशन आप ले रहे थे मीन में से, उसका डेटा में से उसका मीन सबट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हम जब मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो हम मॉडुलस डी ले रहे थे डेविएशन, मतलब माइनस के साइन को हम जबरदस्ती अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो वहां पर देखा जाए तो एक्चुअल में मैथ्स यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप माइनस के साइन को तो इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बना ही इसलिए है कि आपका जो भी आ रहा है आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा,
प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक है। आप माइनस का साइन आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप इसमें से 14 माइनस करेंगे तो माइनस 6 आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। आप इसमें से आप 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, 14 माइनस करेंगे तो माइनस 1, 14 माइनस करेंगे तो 1, और 14 माइनस करेंगे तो आपका 8। तो आपका यहां देख रहे हो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोसेस है, जो मीन डेविएशन का प्रोसेस है, उसमें ये हो गया कि मीन डेविएशन के प्रोसेस में आप मॉडुलस डी करते थे, जिसमें कि आप माइनस के साइन को अवॉइड करते थे, यहां आप अवॉइड नहीं करना। अब आप कहोगे सर माइनस के साइन को अवॉइड हम नहीं करेंगे तो आगे क्या सॉल्व होगा, क्योंकि हमें तो एक डिस्टेंस चाहिए होता है ना, एवरेज एक्चुअल डेटा के बीच का एवरेज डिस्टेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका एवरेज और एक्चुअल डेटा के बीच का एवरेज डिस्टेंस बताता है। तो यहां पे माइनस का साइन आ गया। तो बच्चे एक काम करिए, आप माइनस का साइन आ गया तो कोई पैनिक होने की नीड नहीं है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो वो साइन आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। तो एक प्रॉपर मैथ यूज हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है बच्चे। तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे अगर आप यहां पर, तो आपके पास में 36। तो आप कहेंगे सर आप अपनी मर्जी से स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे तो डेटा चेंज हो जाएगा। तो बच्चे बाद में वापस रूट कर दूंगा, जैसे कि मेरे पास में 4 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा 16, वापस रूट कर दूंगा तो वापस नहीं आ जाएगा 4, तो बाद में रूट कर देंगे। तो ये 1 और ये मेरे पास में 1 और ये 64, क्लियर है बच्चे, समझ गए। तो इसको बेसिकली हम डी नहीं कहते हैं यहां पर, हम इसको ना स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल एक्स बेस्ट फिगर रहता है एक्स में से जब उसका मीन माइनस कर देते हैं, और यही आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन में भी समझा था। स्मॉल एक्स कहते हैं, ऐड करेंगे इसको, आपके पास में 6 और 4 10 और 11 12 12 और 4 16 और 1 4 और 6 10 106 आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस इन डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो एक काम करें, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपने क्या करा, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन एन, क्लियर है बच्चे। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका ना वेरियंस होता है, ये वेरियंस होता है, इसको हम वेरियंस कहते हैं कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर करके उसका सम डिवाइडेड बाय एन, ये वेरियंस हो गया। लेकिन बात स्टैंडर्ड डेविएशन की हो रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे, स्क्वायर करा था ना, क्योंकि डेटा इससे बढ़ गया था, हमारा डेटा हमारा स्क्वायर बढ़ गया था, तो उसको वापस रिवर्स करने के लिए हमें रूट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, अगर आप करते हैं तो आपके पास में 106 एन डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास में क्या है, 5 है। रूट तो 21 का आप 21.2 का आप रूट करेंगे। आपको तनिषा फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के साथ, उसके बाद डिस्पर्जन। तो क्या आपका रिजल्ट आया, 4.60, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आंसर आ गया, क्लियर है बच्चे। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप यहां पर अपना मीन डेविएशन निकालते फ्रॉम मीन, तो आपके पास में क्या आता, 6 2 8 8 6 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 5 करते तो क्या आता आपके पास में, 5 2 10 5 6 40, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपके पास में, 4.60, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग लगभग सेम प्रोसेस पे चलता है। फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो वही बात कह रहा है कि भैया डेटा में से उसका मीन माइनस करो, डेटा में से उसका मीन माइनस करो, या तो खैर फ्रीक्वेंसी आएगा तो बस फ्रीक्वेंसी लगा देना आ गया। और दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि वेरियंस क्या होता है, पता लगा ना आपको, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस के ऊपर अगर आप रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि वेरिएंस ये है, अब रूट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, वेरिएंस क्या, तो आप उसका स्क्वायर कर दो। अब इससे ये क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई आपके पास में, तो आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेंगे बच्चे। देखिए चीजें मैंने सिखाई हैं आपको, रटवाई नहीं है, जब चीजें सिखा चुका हूं तो आप बाकी सवाल अपने आप भी कर सकते हो, और मैं साथ साथ करवा भी रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको मीन के साथ में आपको डेविएशन लेना पड़ेगा स्मॉल एक्स, उसके बाद आपको उस स्मॉल एक्स का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद एफ आया क्या है, ये सिर्फ ऐसे थोड़ी आया, एफ उसको मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर है, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
आप करिए, अगर सोनी में आ गए तो आप करिए, मैं भी करवा रहा हूं साथ साथ। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स का मीन, जो कि क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, पहले हमें एफ एक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स करेंगे अगर आप तो आपके पास में 160, 0, 800, 500, 0, 0, एफ एक्स हो गया। क्लियर है, ये समझ में आपको आ गया, कोई डाउट? अब आपके पास में एक्स बार इक्वल्स टू एफ एक्स का सम 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 860 प्लस 2460 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या हमारे पास में, एन मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ हमारे पास में है 8 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 10 60, तो 6 चौक 24, 6 41 आया। स्मॉल एक्स निकालेंगे हम, डेटा पे फोकस करिए आप, अब डेटा में से उसका मीन माइनस करेंगे, डेटा में से ना, कि आप एफ में से गलती से मत कर देना। मी आपके पास में क्या 41, तो 20 में से 41 गया, तो माइनस 21 माइनस 11 माइनस 1 9, 60 में से 41 गया तो आपके पास में 9 19, और आपके पास में 70 में से 41 गया तो 30 29। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, एफ एक्स स्मॉल एक्स दिस वन, तो आपको पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि इसको आप नेगेटिव साइन आपको हटाना है ना। देखिए दिमाग में चीज रहेंगी तो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा, तो 441, 121, 181, 361, 841। अब आप क्या करेंगे यहां पर, एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको डेटा को पॉजिटिव करने के लिए उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, एफ एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 441 इंटू एफ 8 3528, 121 गुना 12, 121 गुना 12 1452, ये 1 गुना 20 20, 81 गुना 10 810, 361 गुना 6 361 मल्टीप्लाई बाय 6 2166, 481 841 841 मल्टीप्लाई बाय 4 3364। सॉल्व करते हैं अगर आप इसको, तो आपके पास रिजल्ट आएगा समीशन एफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3528 प्लस 1452 प्लस 20 प्लस 810 प्लस 2166 प्लस 3364, तो आपके पास पे रिजल्ट आया 11340। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको अंडर रूट, बस एफ आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर था ही ना आपके पास पे फॉर्मूला, एन था ही, बस एफ आ गया, तो साथ में एफ लगा दो। तो अगर पहले फॉर्मूला लिख लोगे तो अपनी चीज आसान होगी, स्मॉल एक्स निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, फॉर्मूला लिख दिया करो पहले, ताकि स्टेप कोई भी आपका मिस ना हो।
एन आपका क्या है 60 डिवाइडेड बाय 60 13.7 आंसर है आपका। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तो हम बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट मेथड लेके चल रहे हैं। अब देखिएगा, अगर इसको आप कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना पड़ेगा? डेटा ही नहीं है तो मीन कैसे निकालोगे? तो कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का आपका तरीका क्या है? कंटिन्यूस सीरीज में अगर आपको मीन निकालना है, बस इस पे इसके बाद एक क्लास और लगेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं कुछ अलग मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है, उसको देख लेते हैं एक क्लासेस में। कल स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म फिनिश कर देंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे तो देखते हैं। इन तो हमारा डिस्पर्शन दो से तीन क्लासेस में हार्डली दो क्लासेस मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमम, पर दो क्लासेस में मैं आपका डिस्पर्शन टॉपिक फिनिश कर दूंगा, जो कि एक आसान टॉपिक था। आपका यहां पर आ जाएगा डेटा एम, उस डेटा में से आप निकालोगे डेविएशन, फिर आप उस डेविएशन का करोगे स्क्वायर, फिर आप उसको करोगे एफ से मल्टीप्लाई, देख लेंगे आगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहां पे रिक्वायरमेंट किस चीज की? आपको एम निकालने की, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज मीन कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूस सीरीज है तो एम, तो 5 10 का गैप है तो 15 25 35 45 55 65 65। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद आपके पास में मिड वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे? एफएम निकालेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस सीरीज में एफएम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो एफएम 50 225 625। कैलकुलेटर लेते हैं, 35 into 25 35 into 25 875 45 into 10 450 550 65 into 5 325। x बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम 50 plus 225 plus 625 plus 875 plus 450 plus 550 plus 325 3100 अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ आप निकालेंगे 10 plus 15 plus 25 plus 25 plus 20 plus 5 100 31। अब आपको स्मॉल एक्स कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होगा आपका एम माइनस एक्स बार। सॉल्व करेंगे आप, एम में से माइनस करेंगे तो माइनस 45, आप एम में से आप एक्स बार माइनस कर रहे हैं ना, 31 है तो 5 में 31 26 माइनस का, अब इस पे 31 तो माइनस का 6 माइनस 6 15 16 माइनस 16 यहां पे माइनस का 6 4 आपके 9 और 5 14 और आपके 24 34। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका आप लेंगे 26 का स्क्वायर 676, 16 का स्क्वायर वो तो खैर 256 है, 36, 16, 196, 24 का स्क्वायर 576 एंड 34 का स्क्वायर 1156। वो ट्रिक होता है स्क्वायर निकालने का, वो सब हम अभी नहीं जा रहे, कैलकुलेटर है तो क्या दिक्कत है कुछ निकालने का। 34 और 34 को आप गुणा करेंगे, 34 का आप स्क्वायर लेंगे, ये करेंगे ना आप, 3 का स्क्वायर 0, 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 चौक 12, 2 24, 6, 5 और 2 11, 11 56, देखो आया ना, क्लियर है। तरीका होता है शॉर्टकट वगैरह निकालने का, बट कोई बात नहीं, जब कैलकुलेटर हमारे हाथ में दे दिया पेपर में तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में एफएम, उसके बाद मीन, और हमारे हमने एक्स निकाला, एक्स का स्क्वायर करा, अब हम कर रहे एफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा। अब इसको बस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7760 10 से मल्टीप्लाई, यहां 15 से मल्टीप्लाई, 256 256 मल्टीप्लाई बाय 15 3840 36 मल्टीप्लाई बाय 25 900 16 मल्टीप्लाई बाय 25 16 मल्टीप्लाई बाय 25 400 196 5760 11 56 मल्टीप्लाई बाय 5 11 56 मल्टीप्लाई बाय 5 5780। अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आप अपना कैलकुलेट करेंगे, वही अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आप तो 670 प्लस 3840 प्लस 9413 प्लस 1960 प्लस 5760 प्लस 5780 25400 अपॉन सिग्मा एफ जो कि क्या है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 254 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 15.93, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही श्रेया गुप्ता, क्लियर है। कितना छोटा क्वेश्चन है बट ये टेबल में बहुत समय लग गया करने में, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपके पास में ये आप इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा दिया मैंने, पर बात करते हैं कुछ हम डिफरेंट फार्मूला का। अभी आपने क्या प्रॉब्लम फेस करा निकालने में स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, एग्जाम में पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो निकाल दो, कैलकुलेटर तो आपके पास में है ही तो कोई कैलकुलेशन का इशू नहीं है, बट फिर भी आप इस बात को अगर आपको रियलाइज कर रहे हो कि भैया डेटा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा डेटा आ रहा है लाइक 6760 इसका सम करना आपको 25400 बड़ा डेटा आ रहा है, आप चाह रहे हो सेम रिजल्ट आ जाए बट बड़े डेटा पे काम ना करना पड़े, तो इसके लिए अदर मेथड्स हैं। अदर मेथड्स ये आपके पास में शॉर्टकट मेथड आपके पास में एक रहने वाला है, जिसमें शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे आप डायरेक्ट आप अपने एक्स स्क्वायर को डिवाइडेड बाय एन कर देंगे और माइनस में आप अपना मीन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चे, एक आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो दो आपके पास में मेथड है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास में सीधा आप अपना डाटा का स्क्वायर करो डायरेक्ट, कोई डेविएशन लेने की नीड नहीं है, डाटा का स्क्वायर करा डिवाइडेड बाय आपने समीशन ऑफ एफ करा एन करा, फिर माइनस में उसका मीन का स्क्वायर माइनस कर दो और फिर रूट आप रहने दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द एक्स एंड वाई वेरिएबल, एक्स का पहले निकालो फिर वाई का निकालना, एक साथ इकट्ठा नहीं निकलता है,
तो एक्स का आपके पास में क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, ये एक्स है सिग्मा एक्स, और आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर है और आपके पास में एन है। तो आप यहां पर एक फॉर्मूला जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है वो क्या है, क्या बताया मैंने आपको, मेन डेटा पे काम कर रहा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 6750 अपॉन एन, एन गिवन 10 माइनस, आपको कुछ सर मीन तो है नहीं, कोई बात नहीं, मीन हो निकलता कैसे, नहीं है तो आप निकाल लीजिए, मीन कैसे निकलता है बताएंगे जरा, मीन समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो समीशन एक्स आपके पास में है 235 और डिवाइडेड बाय एन 10 है तो 23.5 हो गया, 23.5 और इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 6 7, सीधा डेटा पे ही काम होता है, अगर डेटा 23.5 का स्क्वायर, ये तो आपका कट गया वैसे भी, 23.5 का स्क्वायर 2.25, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 6 7 5 माइनस 5 5 2.25, नहीं समझे आप मेरी बात, सिक्स सेवन फाइव माइनस 0.25 उसका रूट, चलिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं 11.07। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड क्यों नाम दिया गया है, इसलिए नाम दिया गया डायरेक्ट मेथड ताकि आप कोई डेविएशन मत निकालो, डेटा का आप स्क्वायर करो, उसका सम करो, डिवाइड बाय एन करो, बस उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर देना, रूट तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है, समझे बच्चे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द मंथली एवरेज पोजीशन पेबल द पर, अब नेक्स्ट क्लासेस में इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और एक से दो क्लासेस हार्डली आप मान के चलिए हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्लासेस पे हम मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में एक हार्मोनिक मीन स्क्यूनेस, ये दो तीन टॉपिक रह गए थे, इसको कवर करेंगे। आज 1 तारीख हो गई है, पूरी कोशिश से जान लगाएंगे 5 तारीख तक आपका 3 यूनिट कवर हो जाए, उसके बाद मेरे पास में सिर्फ 25 दिन रहेंगे इस महीने में, 25 दिन में 20 दिन जो होंगे लाइक 25 तारीख तक 1 यूनिट में और कवर कर दूंगा आपका टाइम सीरीज, वो 5 7 10 दिन का भी टॉपिक हो सकता है आपका, छोटे टॉपिक से हूँ उस टॉपिक को मैं आपका कवर कर दूं, उसके बाद मेरे पास में लगभग 25 दिन रह जाएगा एक लास्ट यूनिट को चलाने के लिए, तो वो मैक्सिमम है। आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में तैयारी कैसे शुरू करें बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, आप कुछ भी एक पहले कंफर्म कर लें, लाइक मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी अभी मैं करवाऊंगा, अभी मैं रिविजन शुरू करवाऊंगा आपको, मतलब कैसे पढ़ना आपको बताऊंगा, टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है, टेस्ट भी कंडक्ट कर दूंगा आपका, आपको बता दूंगा, आपका टाइम टेबल बना दूंगा कि ये 1 वीक आपको मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पे फोकस करना है, 1 वीक के बाद टेस्ट है, और क्वेश्चन कहां कहां से प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, क्लियर है कि क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पेपर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट, 10 ईयर में से बताने वाला हूं मैं, ये कर लो और इसमें से टेस्ट है, तो एक टेस्ट आपका ऐसा ले लिया करूंगा, फिर आपको टाइम टेबल बना दूंगा ताकि आप अपने 1.5 महीने के इसमें 5 टेस्ट दे दो 5 यूनिट के, और आपका टॉपिक पूरे तरीके से तैयार। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।